नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में जिससे रिलेटेड न्यूज अभी चल रहा है, जैसे टाटा मोटर्स, इंडिया मार्ट, इंटरमेस, रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, अतुल शेयर, SCL शेयर और इंफोसिस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करें टाटा मोटर्स में, आज देखते हैं आप 12.64% की तेजी देखने मिली है, तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ है इस स्टॉक के बारे में। मतलब इसमें 13% की तेजी एक दिन में, जिससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं हुआ है, सिर्फ ये र्यूमर्स है। टाटा मोटर्स से रिलेटेड जो आज न्यूज़ है वो सिर्फ एक र्यूमर्स है। यहाँ पर देखिए, र्यूमर्स जो होता है वो र्यूमर्स बता रहा है कि टेस्ला और टाटा मोटर्स में जो र्यूमर्स है वो कह रहा है कि टेस्ला और टाटा मोटर्स के बीच एक पार्टनर हुआ है। ये पार्टनरशिप में जो टेस्ला है अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करेगा इंडिया में। इस बेहतरीन न्यूज के बाद टाटा मोटर्स में एक जबरदस्त तेजी देखने मिला, क्योंकि जो इलन मास्क है उनकी सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला, और टेस्ला में आजकल आप देख सकते हैं कि जो टेस्ला का स्टॉक है US मार्केट में जो लिस्टेड है उसमें जबरदस्त तेजी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के नंबर वन कंपनी है US की टेस्ला, और वो टाटा मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके कारण टाटा मोटर्स में आपको जबरदस्त तेजी देखने मिली। अगर ये न्यूज कंफर्म हो जाता है, अगर कंफर्म न्यूज होगा तो टाटा मोटर्स में आपको आने वाले समय में और ज्यादा तेजी देखने मिलेगा। और इसका अगर ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो वो है 565 रुपीज, और अभी इसका करेंट प्राइस है 223 रुपीज। तो अगर ये न्यूज सिर्फ र्यूमर ना होकर के अगर कंफर्म न्यूज हो जाता है आगे चल करके, तो इसमें आपका जो टारगेट होगा वो अप्रॉक्स 400 के, पहला टारगेट होगा 400, उसके बाद अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो एक जबरदस्त तेजी आपको इसमें देखने मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो शेयर है हमारा इंडिया मार्ट इंटरबेस, इसका करेंट प्राइस है 7,978 रुपीज, इसमें भी आज 6% की तेजी है। दोस्तों जो ई कॉमर्स बिजनेस है इसमें बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में इंडिया मार्ट इंटरमेस तो समझते हैं काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में है, मतलब जो मैन्युफैक्चर है उसको कंज्यूमर से मिलाता है, मैन्युफैक्चर को डायरेक्ट ये होलसेलर है उससे मिलाता है, तो काफी बेहतरीन इसका ई कॉमर्स बिजनेस है इंडिया मार्ट इंटरमेस का। और इसमें जो अगर आप इन्वेस्ट किए होंगे हमारे कहने पर, तो हमने इसको 5,000 के करीब बताया था, उससे पहले हमने 4,000 के करीब बताया, उससे पहले 3,000 पे जब ये शेयर था उस समय से बता रहा था, तो आप देख सकते हैं इसमें काफी तेजी आ चुका है। तो अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी आप चाहे तो है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े SIP मोड में इन्वेस्ट करना, आप एक शेयर बाय कर सकते हैं, दो शेयर बाय कर सकते हैं, इस तरह से आप छोटे छोटे जो अमाउंट होगा वो लगा सकते हैं, क्योंकि अभी प्राइस इसका काफी हाई हो चुका है, जब ये काफी नीचे के प्राइस पे था उस समय से हम इस स्टॉक को बताने देखते हैं। यहाँ पर जो जुलाई है उस समय ये मात्र 2,000 रुपीज का स्टॉक हुआ करता था, 2,000 से ये 8,000 का जो जर्नी है काफी तेजी से तय किया है। तो अगर आप इसमें चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए अब, क्योंकि काफी ज्यादा ये स्टॉक रन कर चुका है। तो अगर आप इस हाई लेवल प्राइस पे इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा गिरावट आने के बाद आप पैनिक हो जाएंगे, तो फिर काफी मतलब घबराहट होने लगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और चाहते हैं कि हम 2-3 साल तक आराम से इसमें बने रह सकते हैं तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 2-3 साल तक जब बने रहेंगे तो लॉन्ग टाइम में अगर कंपनी का फंडामेंटल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आता है तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। अगला है हमारा रूट मोबाइल, रूट मोबाइल भी काफी बेहतरीन शेयर है, इसका करेंट प्राइस देख लीजिए 1,189 रुपीज है, तो रूट मोबाइल भी काफी बेहतरीन शेयर है। और ये भी जो स्टॉक्स है इससे रिलेटेड काफी सारे मतलब कमेंट आते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा, सर ये बताइए, इस पे वीडियो बनाए थे, इस पे हम इंडिविजुअल वीडियो भी बनाए थे। इस कंपनी का भी बिजनेस काफी मतलब बेहतरीन है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इस कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अगर इसका करेंट प्राइस देखें मतलब अभी तो है 1,189 रुपीज, और इसमें आपको 1200 तक का टारगेट अचीव हो चुका है, जबकि मैक्सिमम टारगेट इसका जो होगा 1,270 रुपीज दिया गया है, वहां तक अचीव हो सकता है। लेकिन अगर ये अपना पिछला हाई ब्रेक करता है 1,220 रुपीज तो फिर आपको जो है 1300 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। लेकिन अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, अगर कंसोलिडेट होकर के ये नीचे की ओर गिरता है तो फिर आपको 1200 से ऊपर का जो टारगेट है 1300 वो आने में काफी समय लगेगा। साथ ही साथ अभी जो है दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है, तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को भी आप जो है थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर कंपनी का रिजल्ट काफी बेहतरीन आता है, प्रॉफिट में इंक्रीज होता है, सेल्स इंक्रीज होता है, तो फिर आपको इसमें जबरदस्त तेजी देखने मिल सकता है, क्योंकि ये अपने जो हायर लेवल है वहां पर
कंसोलिडेट हो रहा है। अगर हाईएंड लेवल पर कोई कंसोलिडेट होता और उसमें जो न्यूज होता है काफी पॉजिटिव आता है तो वो कंपनी के शेयर प्राइस में काफी जबरदस्त तेजी देखने मिलता है। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करें, कंपनी का जो रिजल्ट का फिगर है रिजल्ट के फिगर को जरूर देख लें। अगला हमारा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, ये भी काफी बेहतरीन शेयर है और कंपनी का करेंट प्राइस है 352 रुपीज और इसमें देख सकते हैं आज जो मतलब तेजी है 7 रुपीज 60 पैसा का लगभग 2.20% का तेजी है। ये मतलब शेयर जो है काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था एक ही शेयर प्राइस के आसपास, यहाँ पर जो इसका नीचे का प्राइस था 320 रुपीज इसके बीच में और यहाँ से ये देख सकते हैं लगातार ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से 320 रुपीज है वहां देखते हैं 320 रुपीज के ऊपर ये इस मंथ से पहले कंसोलिडेट हो रहा था और इस मंथ से ये लगातार ऊपर की ओर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें अभी आपको वेट एंड वॉच करने, जब तक ये 360 के ऊपर निकलता है और सस्टेन नहीं कर जाता है तब तक आपको इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब ये 360 ऊपर निकलेगा सस्टेन करेगा तो वहां से आपको फिर एक जबरदस्त मोमेंटम ऊपर की ओर देखने के लिए मिलेगा। तो कोई भी अगर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि 320 रुपीज के प्राइस पे ही आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी का शेयर का प्राइस काफी अच्छे लेवल पे है। तो अब जो भी इन्वेस्ट किए हैं वो बने रखिए, जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लिए थे चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए ऊपर की ओर। अगर स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत हो रही है मतलब आपका ब्रोकर जो है जो डिलीवरी है उसमें स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन है नहीं दिया है तो आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा में हमारा ऑप्शन रहता है जीटीटी ऑर्डर का जहां हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डिलीवरी वाले स्टॉक में कि इस प्राइस से नीचे आता है अगर स्टॉक का प्राइस हो तो हम उसमें एग्जिट कर जाएंगे। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप जो है इसमें इन्वेस्ट कीजिए और स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगला स्टॉक है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी काफी बेहतरीन शेयर है, इसका अभी देखते हैं जो आज का दिन है 499 रुपीज का इसमें डाउनसाइड मोमेंटम देखने मिला है, 3.25% का इसमें डाउनसाइड देखने मिला है। अगर वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में आप देख सकते हैं इसका। अगला स्टॉक है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी काफी बेहतरीन शेयर है, ये स्टॉक भी हम आपको 3000 के प्राइस से ही लगातार बता रहे थे और देख सकते हैं ये काफी जबरदस्त मोमेंटम इसमें देखने मिला और अब थोड़ी सी इसमें गिरावट देखने मिल रही है। अभी आज इसमें 3.25% का गिरावट है। अगर वन मंथ में बात करें तो वन मंथ में देख लीजिए ये काफी मतलब अप है, वन मंथ में 15% का रिटर्न दे रहा है। आप जिस टाइम होराइजन पर देखेंगे उसी में ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। देख सकते हैं यहाँ मार्च में इस पे गिरावट आया था, मार्च में इसका प्राइस जो था 3184 रुपीज था, 4000 के प्राइस पर था तो मैंने काफी बार आपको बताया 5000 पर, 7000 पे, 8000 पे। जब 8000 पर गया तो काफी सारे जो हमारे व्यूवर्स है कमेंट कर रहे थे सर काफी प्राइस हाई हो चुका है। लेकिन दोस्तों जो अच्छे स्टॉक है वो उसका प्राइस हमेशा आपको हाई ही मिलेगा जितने भी अच्छे स्टॉक्स है। इस वीडियो में आपको कई सारे अच्छे स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं तो इसका भी पी आप जब देखेंगे इंडस्ट्री के पी से काफी हाई पी पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जो भी अच्छे स्टॉक आपको मिलेंगे वो हायर पी पर ही मिलेंगे मतलब महंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि महंगा स्टॉक से, अगर फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग है बिजनेस काफी अच्छा है आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर नीचे आता है तो नीचे के प्राइस पे इन्वेस्ट करें, ऊपर जाता है तो ऊपर के प्राइस पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर देखिए अभी तक ये 461% का रिटर्न दे चुका है जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। जब लिस्ट हुआ था इसमें देख सकते थोड़ी थोड़ी गिरावट आई थी तो ये गिरावट जो था वो हमारे पास मौका था कि हम गिरावट वाले प्राइस पर मतलब नीचे के प्राइस पे उसमें बाइंग करें। अगला स्टॉक है हमारा अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, केमिकल सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक, डेट फ्री स्टॉक है, कंपनी के पास काफी सारा रिजर्व है, कभी भी ये आपको बोनस शेयर दे सकता है। तो ये भी स्टॉक जब भी आपको गिरावट में मिलता है तो जरूर इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों ऐसे ये सारे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जब इसमें तेजी देखने मिलेगा तो एक एक दिन में आपको 5% 10% तक की तेजी देखने मिलेगा। तो जब ये स्टॉक दौड़ना शुरू करेगा तो फिर आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ पर देखना इस प्राइस पे लगातार कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 6000 6500 इसके आसपास ये लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। तो कंसोलिडेट हो रहा है तो अगर यहाँ से मूवमेंटम पकड़ता है तो ऊपर के साइड अगर मूवमेंटम पकड़ा तो फिर आपको एक दिन में 10% का तेजी देखने मिलेगा क्योंकि ये अपने हायर प्राइस पे कंसोलिडेट हो रहा है। अगर इसका चार्ट देखेगा लॉन्ग टर्म का चार्ट काफी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखेगा तो वो भी काफी बेहतरीन है, 31000% का रिटर्न है 99 से 2021 तक में। अगला है हमारा एससीएल टेक्नोलॉजी। एससीएल टेक्नोलॉजी भी काफी बेहतरीन शेयर है, इसका करेंट प्राइस है 1053 रुपीज और इसमें भी 5% की तेजी देखने मिल रहा है। सारे जो आईटी सेक्टर के स्टॉक है इंफोसिस, एससीएल, टीसीएस और जो आपको एलएनटी, इंफोटेक है,
सब में काफी तेजी देखने मिल रहा है। मतलब जो TCS है, TCS का क्वार्टर जो थ्री है, क्वार्टर थ्री का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया है, जिससे आशा कर रहा है मार्केट कि सारे IT कंपनियों के जो रिजल्ट होंगे, जो प्रॉफिट होंगे, काफ़ी बेहतरीन आएंगे। तो उसी आशा में इन सारे IT स्टॉक में काफ़ी तेजी देखने मिल रहा है, मतलब एक आग लगी हुई है। तो इस स्टॉक का जो प्राइस था जब 405 रुपीज, उसी समय से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिए, एक कंपनी 159% का रिटर्न दे चुका है। और बता दें कि SL टेक्नोलॉजी का जो इंडिया का बिजनेस है, जो डोमेस्टिक बिजनेस है, काफी स्ट्रॉन्ग है। सारे IT कंपनियों में SL टेक्नोलॉजी का डोमेस्टिक बिजनेस सबसे स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ एक MNC कंपनी है, कई सारे फॉरेन कंट्री में भी इनके बिजनेस हैं। तो जब भी गिरावट मिलता है, तो इन स्टॉक्स में आप जरूर इन्वेस्ट करें। IT सेक्टर में अभी काफी बेस्ट समय है पोजिशनल ट्रेडिंग करने का। अगर किसी को भी पोजिशनल ट्रेडिंग करना हो तो आप जो IT सेक्टर के स्टॉक है उसमें कर सकते हैं। जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट पे ध्यान रखिएगा, रिजल्ट का फिगर अगर काफी बेहतरीन आता है तो आपको और तेजी इसमें देखने मिलेगा, क्योंकि जो TCS है उसके प्रॉफिट में काफी जंप देखने मिला। जब TCS का काफी प्रॉफिट में जंप देखने मिला तो उसी में के कारण देखते हैं इंफोसिस में भी काफी जबरदस्त तेजी है। ये स्टॉक था मात्र 500 रुपीज के प्राइस पर, तो वहीं से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। देख सकते हैं मार्च की गिरावट में ये मात्र 500 रुपीज के प्राइस पर मिला था। 500 के प्राइस से ये देख सकते हैं काफी लंबी जर्नी तय कर चुका है और 152% का रिटर्न वहां से दे चुका है। तो अगर आपके पास इंफोसिस है तो जरूर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, क्योंकि अगर आप 500 रुपीज के प्राइस पर अगर इसे बाय किए रहते तो अभी वहां से देखते हैं ये स्टॉक 2.5 गुना हो चुका है। और तो अभी भी देख लीजिए इसका डिविडेंड जो है, डिविडेंड यील्ड 1.5% के आसपास है, 1.56% है। अब इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो समझ जाइए कितना होगा इसका डिविडेंड यील्ड। तो काफी अच्छा इसका डिविडेंड यील्ड भी है और काफी अच्छा बोनस भी देती है कंपनी। तो जो IT सेक्टर के अच्छे स्टॉक है, विप्रो हो गया, विप्रो में भी काफी जबरदस्त तेजी है, TCS हो गया, SCL टेक्नोलॉजी हो गया, इन्फोसिस हो गया, L&T इन्फोटेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये सारे काफी बेहतरीन स्टॉक है IT सेक्टर के। तो ये जब भी गिरावट मिलता है तो आपको हमेशा बाय ऑन डिप्स करना है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म है उसमें मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। और बेयरिश की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश, जो पैंडेमिक में गिरावट आया था ऐसे गिरावट आपको काफी कम मिलेगा, ऐसे चांसेस आपको काफी कम मिलने वाले हैं। तो इसलिए जैसे गिरावट आता है कभी भी मार्केट में 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का हर करेक्शन पे आपको बाय ऑन डिप्स करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए।